तो सर अब कहां पर ले आए हो आप हमें? ये है हमारा वेयर हाउस जिसमें रखा हुआ है टोटल यहाँ पर सोलर एसी का स्टॉक। अच्छा, ये सारा स्टॉक है आपके पास? जी। क्या बात है, मतलब काफी स्टॉक में देख रहे हो आइटम, मतलब प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे आप। फायदा कहाँ मिलता है कि जैसे आप किसी नाले के पास अगर आपका घर है तो वहाँ पर ज्यादा रस्टिंग होती है। नाले पे भी खराब नहीं होगा ये? जी हाँ, नाले के ऊपर भी ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसका जो 1 टन के एसी है वो 1.5 टन के बराबर कूलिंग करेगा। अच्छा जी। और जो 1.5 टन के एसी है वो 2 टन के बराबर, और जो 2 टन का है वो 2.5 टन के बराबर कूलिंग करेगा। ये इनके आउटडोर से अब दुनिया का एसी है जिसके अंदर आपको पावर मीटर मिलता है। मतलब पावर मीटर का मतलब है कि आपको चिंता लगी रहती है कि यार मेरे एसी ने कितनी यूनिट्स खा ली, मेरे इतना बिल किस चीज का। अच्छा, ये भी बताएगा कितनी यूनिट खर्च हुई? जी हाँ, इसी ऐप में देखिए, जब आप नीचे जाएंगे जोड़ सकते हो, आपको कभी भी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन से ही सब कुछ कर सकते हो। सब घर वालों के फोन में ऐप कर दीजिए, कोई भी घर वाला इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। अब आप पूछोगे 12 महीने कैसे कैसे चलेगा 12 महीने? क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड है, ये गर्मी में भी चलेगा और सर्दी में भी चलेगा। अच्छा जी, ये देख रहे हो इसके रिमोट पे भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये देखो। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है हीट और यहाँ पे कूल, और ये दुनिया के अब तक के सबसे लेटेस्ट हाइब्रिड एसी है। अब हाइब्रिड एसी का मतलब होता है कि इसके ऊपर यहाँ पर 2 इनपुट है, यानी कि एक तरफ इसमें सोलर लगता है, दूसरी तरफ इसमें बिजली लगती है। जी हाँ, इसके लिए कोई भी इंजीनियर नहीं बुलाना, ये सब कुछ ऑनलाइन ही हम कर देते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में रहता है, और ये वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप पूरा सर्च कर सकते हैं। सेलक्रॉनिक कंपनी ने ये नए इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं, ये होते हैं आपके हाई वोल्टेज इन्वर्टर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है HV सीरीज हाइब्रिड इन्वर्टर। सर ये तो समझिए, सिर्फ इंडिया में ही है जो अभी लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है, बाकी आप ऑस्ट्रेलिया ले ले, अमेरिका ले ले, यूरोप ले ले, पूरे दुनिया के अंदर अब लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ही यूज की जाती है। तो हम आ गए सर के पास एक बार फिर से। कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। पिछली बार तो आपने धमाका कर दिया था सोलर की, जो आप इन्वर्टर लाए थे, हमने थोड़ा सा एसी का भी ग्लिम दिखाया था, इस बार तो आप पूरा स्टॉक ही ले आए हो। सारे सोलर एसी हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे हाइब्रिड सोलर एसी हैं। अच्छा ये बताइए, मैं आया कहाँ पर हूँ? आप आए हैं करनाल के अंदर सेलक्रॉनिक के ऑफिस में। ओके, क्या क्या करती है आपकी ये कंपनी? ये कंपनी बनाती है सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और हम बनाते हैं बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का काम करते हैं। ओके। और हम बनाते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज, और हम आपके लिए अब की बार लेके आए हैं हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन। इतने सारे सिस्टम लेके आए हैं यहाँ पे, मैंने सुना है कि बिजली का बिल भी जीरो हो जाता है, क्या सच है सर ये? जी हाँ, बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा और आप यूनिट्स बेच भी पाएंगे। अच्छा, अगर ये जैसे मैंने एसी घर में लगाया, आज की जो वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जो एसी के बिल से परेशान है और ज़्यादा गर्मी में रहते हैं और उनके वहाँ लाइट आती जाती रहती है, तब भी एसी चलेगा? जी हाँ, इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है, अगर लाइट चली जाती है तब भी चलेगा, लाइट है तब भी चलेगा, और अगर लाइट और सोलर दोनों है तब भी चलेगा। क्या बात है, मतलब आज हम जो टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं सारा कुछ हाइब्रिड होने वाला है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आने वाली है। इस तरह के मैं आपको इन्वर्टर दिखाने वाला हूँ और आप देख के कहोगे यार ये है क्या, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपका कोई कमर्शियल आउटलेट भी है वहाँ पे भी अगर पैसा बचाना चाहते हैं, मतलब 25-25 साल तक चलते हैं जी? 25 साल से ज़्यादा का, क्योंकि 25 साल तो 80% DOD पर है, यानी कि 25 साल के बाद भी 80% वो चीज़ काम करेगी। क्या बात है, मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको प्रॉफिट इतना सारा देगी। इवन जैसे सर ने कहा, आप बिजली बचा भी सकते हो और बिजली बेच भी सकते हो, वो सारी चीज़ें बताएंगे, वीडियो में बने रहना। और आज हम आए हैं सेलरॉनिक कंपनी में, जहाँ पे आपको मिलेगा सारा स्मार्ट सॉल्यूशन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो सर सबसे पहले आज क्या प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं हम? सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको सेलक्रॉनिक कंपनी की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। ओके। जैसे कि ये बैटरी 85 AH की है और 48 वोल्ट की है, यानी 4 बैटरी वाले इन्वर्टर पर आप इसको लगा सकते हो। अच्छा, ये बैटरी आपका 40 साल प्लस चलेगी और स्टैंडर्ड वारंटी इसकी आपको 5 साल की मिल जाती है और 4200 लाइफ साइकिल मिल जाते हैं। सर इसमें फायदा क्या है मतलब नॉर्मल बैटरी से? देखिए, नॉर्मल बैटरी में सबसे पहले तो वो आपकी 3 साल चलती है और 6 महीने बाद ही उसका बैकअप कम होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है आप उसमें पानी डालने पर ही रहते हैं और आपका फर्श भी खराब होता है और बच्चों के लिए भी काफी हानिकारक है और उससे लगातार आपकी गैस भी निकलती रहती है। अच्छा, मैंने सुना है इसमें पानी भी नहीं डलेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं डलेगा, एक बार लगा के भूल जाइए, 40 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और सर मैंने सुना है कि ये स्पेस भी बहुत कम घेरती है। जी हाँ, ये स्पेस काफी कम घेरती है। अब ये जैसे 4 किलोवाट की है, इससे अगले वाली 5 किलोवाट की है, ये भी 5 किलोवाट की है, तो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ है। अच्छा, ये जैसे मुझे अपने घर पे लगानी है तो कौन सी लगेगी, वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपका 4 किलोवाट का बैकअप चाहिए तो 4 वाली ले लीजिए, अगर आपको 5 किलोवाट का बैकअप चाहिए 5 वाली ले लीजिए, 10 का चाहिए तो 2 जोड़ दीजिए। इनके कॉल करके, इनके यहाँ पे व्हाट्सएप करके सारी इंक्वायरी ले सकते हो कि कैसे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगे, मतलब कितने आपके एसी हैं, कितने हुए हैं, तो उसके हिसाब से पूरा सेटअप भी करवा देते हैं। जी हाँ, आप नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप ही कीजिए क्योंकि इतनी कॉल्स हम नहीं उठा पाते हैं।
इंस्टॉलेशन भी करवा देते हो आप सारा कुछ? जी हाँ, इंस्टॉलेशन भी करवा देते हैं। क्या बात है। जैसे ये बैटरी पड़ी है तो इस तरह से यहाँ पे लग जाती है, ये ऐसे ऐसे भी लग जाती है? जी हाँ, इस बैटरी को आप दीवार पर भी लगा सकते हैं, और ये वाकई ही दीवार पर लगने वाली बैटरी होती है जिसको बोला जाता है पावर वॉल। ये बैटरी है? जी हाँ, ये बैटरी है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 6000 लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी के साथ और 60 साल प्लस ये चलती है। और सबसे सुंदर बैटरी है, मतलब अगर आप कहीं लगा भी लोगे तो ऐसे लग रहा है शोपीस लगा रखा है, देख रहे हो आप? देखिए, लगी बड़ी सुंदर लगती है। अब होता क्या है कि लोग अपनी बैटरी इन्वर्टर को कहीं पौड़ियों के नीचे लगाते हैं, कहीं छुपा के लगाते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल फ्रंट में लगाइए। जब आपके रिश्तेदार आएंगे तो देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या जबरदस्त चीज आपने लगाई हुई है। तो सर, ये जैसे आपने अभी बताया नॉर्मल इन्वर्टर ना लगा के ये इन्वर्टर लगा के क्या फायदा होगा, मतलब ये वाली बैटरी लगा के क्या फायदा होगा? देखिए, सिर्फ इंडिया में ही है जो अभी लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है, बाकी आप ऑस्ट्रेलिया ले ले, अमेरिका ले ले, यूरोप ले ले, पूरे दुनिया के अंदर अब लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ही यूज की जाती है। तो अब इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही है, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि लेड एसिड बैटरी का भविष्य नहीं है, हमें लिथियम पर ही जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये लिथियम पे ही है और सबसे मेन बात है ड्यूरेबल है और काफी टाइम तक चलेगी है। जी हाँ, वंस इन अ लाइफ टाइम, आपको एक ही बार खरीदनी है, उसके बाद आपका बेटा हो जाएगा, उसके बाद आपका पोता हो जाएगा, बैटरी चलती रहेगी। क्या बात है सर, ये तो मैंने देख ली बैटरी, ये क्या लगा रखे आपने, ये क्या सिस्टम है? ये है हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर और ये आते हैं वाटर प्रूफ के साथ, आप इनको बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी लगाएं। अच्छा जी, एक बार दिखाना इसमें क्या टेक्नोलॉजी, आप कुछ कह रहे थे कि हाइब्रिड है, ये सोलर से भी चलता है? हाइब्रिड इन्वर्टर है, अब इसमें देखिए, आप एक तरफ सोलर लगता है, दूसरी तरफ आपकी बिजली लगती है और एक तरफ बैटरी लगती है। अच्छा, तो ये आपका घर बिल्कुल सोलर से चलाएगा, बिल्कुल फ्री में चलेगा, और अगर बिजली चली जाती है तब भी सोलर और बैटरी से चलेगा, अगर बिजली रहती है तो एक्स्ट्रा पावर को बिजली बोर्ड को बेच भी देगा। अच्छा, ये दिखा रहा है अभी कि सोलर से आ रही है बैटरी या कहीं से, यहाँ से पूरा स्विच भी कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिजली बेचता भी रहता है, यानी कि पूरी की पूरी पावर आपकी इस्तेमाल होती रहती है और आपका बिजली का बिल हो जाता है बिल्कुल जीरो, बिजली नहीं आती है तब भी आपके एयर कंडीशन चलता रहता है, आप टेंशन फ्री अपनी लाइफ जी सकते हैं। सर ये तो हो गई, ये छोटे इन्वर्टर है ना ये? जी हाँ, ये 5-5 किलोवाट के दोनों इन्वर्टर हैं, ये 5.5 का लोड मैक्सिमम उठा सकता है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है गैलेक्सी 7G, ये 6 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है और 9 किलोवाट उसके ऊपर सोलर पैनल लग सकते हैं। अच्छा, जो कि इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और सर मुझे एक चीज और बताओ, जैसे कि इन्वर्टर लगा हुआ है, इसको ऑपरेट कैसे करता है? मैंने सुना ये ऐप से भी ऑपरेट हो जाता है। जी हाँ, ये ऐप से ही ऑपरेट होता है, आप इसमें अपनी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो देख सकते हो, कितनी आपकी बिजली आ रही है, कितनी आपके घर में यूज हो रही है, कितनी बिक रही है, सब कुछ आप अपनी इस ऐप पे ही इसको देख सकते हो। मतलब पूरा स्मार्ट इन्वर्टर है एक तरह से? जी हाँ, पूरा का पूरा ये स्मार्ट इन्वर्टर है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी दिखा भी देते हैं आपको, ये देखो, ये इनका पूरा ऐप में प्रॉपर आएगा यहाँ पे, देखो। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पे? जी हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप के थ्रू ही यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सब बता रहा है? ये देखिए, अभी 5 किलोवाट की जो है वो पावर बन रही है, और ये देखिए सिर्फ 1.40 किलोवाट ही घर में यूज हो रहा है, बाकी 4.66 किलोवाट बेचा जा रहा है। ये बेच रहे हो, मतलब बिजली बेच रहे हो आप यहाँ से? हाँ, यहाँ से 4.5 किलोवाट से भी ज्यादा अभी बिजली बिक रही है आपके सामने, सब कुछ डेटा आपके सामने, और ये लाइव चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेट से थ्रू कनेक्ट हो जाता है ये और पूरा सारी चीज दिखाते हैं। यही नहीं, अगर मैं कोई भी सेटिंग करना चाहूंगा तो यही से मैं सेटिंग भी कर सकता हूँ, ये भी इस इन्वर्टर के अंदर खास बात है, कुछ भी मुझे चेंज करना है तो मैं यहीं से उसको चेंज कर सकता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी अब तक किसी के भी पास नहीं है। देखो, सारी चीजें तो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, जब इन्हें कांटेक्ट करोगे, जब आओगे तो सारी चीजें समझाएंगे। सर ये तो लगी घरों में, अब मुझे बड़े फैक्ट्री में लगानी है, बड़े इंस्टीट्यूट में लगानी है, उसके लिए क्या लेके आए हो? चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, वो भी ले आए हो आप प्रोडक्ट? जी हाँ, अभी सेलक्रोनिक कंपनी ने नए इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं, ये होते हैं आपके हाई वोल्टेज इन्वर्टर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है HV सीरीज हाइब्रिड इन्वर्टर। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा इसके नीचे क्या क्या है ये? ये देखिए, ये जो इन्वर्टर हैं ये लगते हैं कमर्शियल जगह पे, यानी कि ये अगर मैं बात करूँ इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की, तो ये है 50 किलोवाट का इन्वर्टर, और ये 10 इन्वर्टर जुड़ के 500 किलोवाट का एक बड़ा इन्वर्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर भी आपस में कनेक्ट होकर चेन बन सकती है पूरी एक? जी हाँ, ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट होकर 500 किलोवाट बन जाएगा, और उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए 1000 किलोवाट, 2000 किलोवाट, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कितना भी बड़ा लोड हो वो इससे आसानी से चलाया जा सकता है, ये उस लोड को बच्चों की तरह उठा लेगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब हर चीज के इनके पास है। और सर अगर बात करिए, ये क्या है छोटे वाला? ये आपका 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी हाई वोल्टेज के अंदर है। हाई वोल्टेज का बेसिकली मतलब होता है कि बैटरी साइड से हाई वोल्टेज, तो बैटरी साइड से ये दोनों इन्वर्टर 150 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट तक हैं। और ये खाली इन्वर्टर बिजली पे नहीं, ये हाइब्रिड है, सोलर पे भी चलते हैं? जी हाँ, ये सोलर पे भी चलेंगे, इस एक इन्वर्टर के ऊपर आप 65 किलोवाट का सोलर लगा सकते हो, ये भी सेम आपका बिजली के साथ भी चलेंगे, बिना बिजली के भी चलेंगे, और बिजली को भी बेचेंगे। सर आप कुछ कह रहे थे आप जनरेटर को कर दो बाय बाय, और आप जो तेल वगैरह जो चलाते हो वो भी बचेगा आपको, वो कैसे होगा?
जी हाँ, देखिए इनको लेते हैं जिनके यहाँ पर जनरेटर लगा होता है, जो जनरेटर में एक दिन में ही 30-30, 40-40 हज़ार का डीजल फूंक देते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप ये इन्वर्टर लेते हो तो आज के बाद जनरेटर को चलाना बिल्कुल बंद, आप भूल जाओगे आपके पास जनरेटर भी है या नहीं, और पोल्यूशन भी नहीं करोगे। जी हाँ, कोई पोल्यूशन नहीं। अगर आप अपने तेल का हिसाब लगाओगे, अगर 50-60 हज़ार का तेल आप फूंक रहे हो एक दिन में, या फिर आप 60-70 हज़ार का एक महीने में भी फूंक रहे हो, तो आप इसकी 1-2 साल में कॉस्टिंग निकाल लोगे और पूरी जिंदगी ये फ्री चलने वाला है। अरे वाह, आप कह रहे थे यहाँ पे कोर्डलेस होता है, मतलब कोर्ड नहीं दिखती इसकी, ऐसा कुछ है यहाँ पे फीचर? जी हाँ, देखिए इसके लिए कंपनी ने एक अलग बैटरी बनाई है, वो है आपकी स्टैक्ड बैटरी, उसमें कोई वायर नहीं है और वो भी वाटर प्रूफ है। अच्छा, यानी कि इन्वर्टर बैटरी दोनों को भी आप सीधा बाहर रख सकते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर वाटर प्रूफ है बिना वायर के। ये क्या ऑप्शन दे रखे नीचे इतने सारे? ये देखिए आता है डबल आउटपुट के साथ, इसमें एक आउटपुट से आप अपने लाइट पंखे टीवी जोड़ सकते हैं और दूसरी आउटपुट से आप अपने एयर कंडीशन, अपने गीजर, जितना भी हैवी लोड है वो जोड़ सकते हैं। अच्छा, लोड भी आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं? जी हाँ, अब जैसे रात का टाइम है, अब सोलर है नहीं और बिजली भी चली जाती है, तो जैसे आपने सेट कर दिया 70%, तो 70% तक तो आपका सब कुछ चलेगा, जैसे 70% से नीचे बैटरी गई तो आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा और जो आपके लाइट, टीवी, पंखे, फैन जो है वो आराम से चलते रहेंगे, यानी कि रात को कोई ब्लैकआउट नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सारी सेटिंग ऐप के थ्रू हो जाती है, कुछ भी मैनुअल आगे नहीं करना, मतलब इसके लिए नहीं है बार बार इंजीनियर को बुलाना, सीधा अपना ऐप खोला और अपना सारा कुछ कर लिया। जी हाँ, इसके लिए कोई भी इंजीनियर नहीं बुलाना, ये सब कुछ ऑनलाइन ही हम कर देते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में रहता है और ये वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप पूरा सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। एक तरह का ये स्मार्टफोन है इन्वर्टर का। जी हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। क्या बात है। और सर अब बात करी जाए तो ये एसी, ये क्या है, इनमें क्या फीचर मिलेगा एसी में? देखिए कंपनी ने नए एसी लॉन्च किए हैं और ये दुनिया के अब तक के सबसे लेटेस्ट हाइब्रिड एसी हैं। अब हाइब्रिड एसी का मतलब होता है कि इसके ऊपर यहाँ पर दो इनपुट हैं, यानी कि एक तरफ इसमें सोलर लगता है, दूसरी तरफ इसमें बिजली लगती है, दोनों से चलेगा कंबाइन होके। हाँ, ये खाली सोलर से भी चल सकता है बिना बिजली के, ये खाली रात को बिजली से भी चल सकता है, और ये एक टाइम में सोलर और बिजली दोनों से चल सकता है। जैसे आजकल हाइब्रिड कारें आ रही है जिसमें जो पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, वैसे ही ये सोलर से भी चलता है, बिजली से भी चलता है, दोनों से भी चलता है। क्या बात है, मतलब पैसा आपका बचेगा और आप इसमें, और मैंने सुना है इसमें मतलब ये ज्यादा लोड भी नहीं लेता जैसे नॉर्मल एसी लेते हैं। हाँ, ये इसका देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल एसी से बात करूँ तो ये 32% एफिशिएंट है, अगर मैं इन्वर्टर एसी से बात करूँ तो ये 13% एफिशिएंट है। ओके। और इसमें एक ऐसा फीचर भी है कि आप दो बैटरी के इन्वर्टर पर भी इसको चला सकते हो, अपने जो नॉर्मल घर में इन्वर्टर होते हैं। अच्छा। माइक्रोटेक वगैरह के, उन पे भी आप इसको चला सकते हो। सर ऐसा तो नहीं है एफिशिएंसी तो आ जाएगी पर कूलिंग नहीं करेगा उतनी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कूलिंग करेगा। और एक चीज और, ये आपका 12 महीने चलेगा। अब आप पूछोगे 12 महीने कैसे चलेगा 12 महीने? क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड है, ये गर्मी में भी चलेगा और सर्दी में भी चलेगा। अच्छा जी, ये देख रहे हो इसके रिमोट पे भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये देखो। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है हीट और यहाँ पे कूल, और एसी के ऊपर भी मेंशन है हॉट एंड कोल्ड, गर्मी सर्दी दोनों में चलेगा। अरे वाह। और सर मैंने सुना इसमें आप कुछ कह रहे थे ना कि नया आप वो लेके आए हो, इसमें जो कॉपर वाला है चेंज करके गोल्डन पिन ले आए हो आप? जी हाँ, इसके अंदर काफी खास बातें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर दिखाएं, इसके अंदर पहले तो प्योर डीसी कंप्रेसर है, टोटल का टोटल हर एक चीज पे नहीं चल रहा है, डीसी पे कंप्लीट डीसी पर चलता है, जिसको हम एसी भी देते हैं उसको भी पहले कन्वर्टर तो नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसको जब आप एसी दोगे एसी को भी पहले ये डीसी में चेंज करेगा। अच्छा। और सोलर से तो डायरेक्ट डीसी आ ही रही है। ओके। तो यहाँ पे लिखा है सेव मनी एवरी डे, आपके हर रोज पैसे बचने वाले हैं। अरे वाह। उसके बाद ये हॉट एंड कोल्ड है, उसके बाद ये 100% कॉपर है और गोल्डन फिन्स के साथ आता है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। उससे आगे आता है वाईफाई कैपेबल, आप इसको अपने वाईफाई जोड़ सकते हो, आपको कभी भी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन से ही सब कुछ कर सकते हो, सब घर वालों के फोन में ऐप कर दीजिए, कोई भी घर वाला इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। ऐप से भी कंट्रोल हो जाता है? जी हाँ, ऐप से कंट्रोल हो जाता है और सब कुछ चीजें आप ऐप से ही कर सकते हो। वाह। अगर आप अपना एसी घर पे ऐसे ही छोड़ आए हो ऑन, तो अपनी ऐप से ही उसको बंद कर सकते हो। अरे वाह, इसमें दिखा भी रहा है, देखो आधी बिजली आ रही है इसकी सोलर से और आधी आ रही है उससे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पूरी बिजली ही सोलर से आ रही है। सोलर से आ रही है। हाँ, ये देखिए बिजली है सिर्फ 20 वोल्ट एक एलईडी बल्ब जितना। अच्छा जी। हाँ, ये बिजली को कनेक्ट करके रखता है, एलईडी बल्ब जितना है ये, और इतना ठंडा कर रहा है। जी हाँ, इतना कूल कर रहा है, और रियल टाइम में ही आप देखिए, वहां पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब मैं चेंज करता हूँ। हाँ, ये रियल टाइम में ही, एक भी सेकंड का लैग नहीं है। क्या बात है सर, बढ़ाना है वाली 26 करना है इसे? ये देखो यहाँ 26 किया हमने, ये देखिए 25 किया, 26 किया, कोई लैग ही नहीं है, एक भी सेकंड का।
क्या बात है, मतलब यहाँ पे पूरी जो टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको एकदम परफेक्ट वाली मिलेगी। हाँ, और इससे आगे अगर आप फीचर दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर मीटर। ये पहला दुनिया का एसी है जिसके अंदर आपको पावर मीटर मिलता है। मतलब पावर मीटर का मतलब है कि आपको चिंता लगी रहती है कि यार मेरे एसी ने कितनी यूनिट खा ली, मेरे इतना बिल किस चीज का। ये भी बताएगा कितनी यूनिट खर्च हुई। जी हाँ, इसी ऐप में देखिए, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरे दिन का डाटा दिखाएगा। अरे ये भी दिखाएगा कितना कितना सोलर से चला, कितना से चला। हर एक घंटे का। ये देखिए जो ग्रीन कलर की लाइन है तो सोलर है, और जो ऊपर आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है वो बिजली है। अरे वाह, हर एक घंटे का। फ्री में ही चला रहे हो अपने ऑफिस में भी? जी हाँ, ये फ्री में तो चल रहा है आपके सामने, तभी इतना मतलब सुबह से चला रखा है आपने। और सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसमें काफी है, मतलब ये 1 टन है। जी हाँ, ये 1 टन है। मैं और मेंशन करता हूँ तो आप इसमें दिन का हर एक घंटे का जो यूनिट्स का कंजप्शन है वो देख सकते हो, यहाँ तक कि पूरे महीने का हर एक दिन का देख सकते हो, यहाँ तक कि पूरे ईयर का देख सकते हो, और ये आपको 20 साल तक का डाटा दिखा सकता है। 20 साल का डाटा दिखेगा इसमें? जी हाँ, 20 साल का डाटा। बिल लगाया आपने, कितना बचाया? जी हाँ, 20 साल का डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। बहुत ही बढ़िया सर। और क्या फीचर है इसमें? इसके अंदर एक फीचर आता है एसी लिमिटर। अगर मैं एसी लिमिटर को दबा देता हूँ, बिजली ज्यादा नहीं आएगा? हाँ, तो ये अपने आपको लिमिट कर लेगा 300 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में, यानी कि जो आपका छोटा इन्वर्टर है उसके ऊपर भी ये एसी आराम से चलेगा। अरे वाह, मतलब देख रहे हो एक से एक फीचर मिलने वाले हैं आपको। और सबसे मेन बात है पूरा स्मार्ट एसी है, एक नंबर का। ये देख रहे हो पूरा स्मार्ट मिलेगा आपको। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ कन्वर्टर सीधा आप सोलर में लगाओ, इसे डायरेक्ट चला सकते हो। अच्छा, सीधा सोलर पैनल इंस्टॉल करके सीधा चल जाएगा? हाँ, ये सीधा चल जाएगा। इसके लिए आपको कोई ना तो इन्वर्टर खरीदना, ना बैटरी खरीदनी, ना ही आपको बिजली की चिंता करनी है। अगर आपके पास 3-4 पैनल हैं तो सीधा उनको जोड़ दीजिए और सीधा इसके आउटडोर में लगा दीजिए। अच्छा, सीधा चल जाएगा। अच्छा सर, आप बताओ ये कितने कितने टन का है? ये कितने टन का है? ये एसी है आपका 1 टन का, इसके ऊपर है 1.5 टन का, और उससे ऊपर है 2 टन का। अरे वाह। और मार्केट में अगर आपने दूसरे एसी देखे होंगे तो ये यूनिट्स आपको उनसे काफी बड़ी नजर आ रही होगी। अच्छा जी। और सर ये भी काफी यूनिट बड़ी लग रही है मुझे तो। जी हाँ, ये इनके आउटडोर है, ये 1 टन। बड़े क्यों है? देखिए, अगर आपको कूलिंग चाहिए तो बड़े से ही आएगी, छोटे से क्या कूलिंग आ जाएगी। तो मतलब टन का हिसाब नहीं होता कुछ? नहीं, टन का हिसाब है, 1 टन 1.5 टन 2 टन, लेकिन इनको बड़े के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि इसका जो 1 टन के एसी है वो 1.5 टन के बराबर कूलिंग करेगा। अच्छा जी। और जो 1.5 टन के एसी है वो 2 टन के बराबर, और जो 2 टन का है वो 2.5 टन के बराबर कूलिंग करेगा। ये इनके आउटडोर से आप आउटडोर का भी साइज दे सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा इनका साइज है। अच्छा जी, ये देख रहे हो पूरा यहाँ पे। और अच्छा, आप कुछ कह रहे थे गोल्डन फिन्स, वो भी दिखा दो। जी हाँ, मैं आपको गोल्डन फिन्स भी दिखा देता हूँ क्या होते हैं। ये सबसे पहले हम इसको आइए ओपन कर लेते हैं। ओके, इसमें भी आप कुछ कह रहे थे कोई टेक्नोलॉजी स्मार्ट लाए हो इसमें? हाँ, वो आपको सब दिखाएगा, आज सब दिखा के भेजेंगे आपको। ये देखो, ये देखिए, ये है नई टेक्नोलॉजी, ये है MPPT बूस्टर। ये किसी भी नॉर्मल जो आपका हीट सिंक भी है इसमें? जी हाँ, हीट सिंक भी है क्योंकि गर्म होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से हीट सिंक। ये कंट्रोलर है इसका? नहीं, ये MPPT बूस्टर है। बूस्टर, हाँ, क्योंकि अगर कम बिल्कुल पावर सोलर पैनल से आ रही होगी तब भी इसको बूस्ट कर देगा और आपका एयर कंडीशन रुकेगा नहीं। अच्छा जी। अगर बिल्कुल बादल बादल आ रहे हैं तब भी जो आपका एयर कंडीशन है वो चलता रहेगा। और सर ये क्या चीज है? ये है इसका कंट्रोलर जो कंप्लीट एसी को डीसी में बदलता है और बिल्कुल 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही इसको ऑपरेट करता है। बहुत ही बढ़िया। और ये जो मोटर है ये भी आपकी BLDC है। फैन भी काफी अलग है इसका? हाँ, फैन भी इसका काफी अलग है, काफी जोरदार है। और ये देखिए जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका कंप्रेसर, आपने इतना छोटा कंप्रेसर नहीं देखा होगा क्योंकि इसको अलग अलग स्टेज में बनाया गया है जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाती है। ये रैप किससे कर रखा है सर? ये पूरा का पूरा आपका जो कंप्रेसर है वो प्योर BLDC कंप्रेसर है और यहाँ पर इसको ढक रखा है जिससे कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और जो इसकी लॉसेस होंगे हीट के रूप में वो ना हो। अच्छा जी, क्या बात है, मतलब पूरा ध्यान रखा है। अच्छा, ये है गोल्डन फिन्स? जी हाँ, ये देखिए, ये है गोल्डन फिन्स, ये है डबल कंडेंसर आपकी टेक्नोलॉजी, और आप इसको छूकर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रीमियम ये मटेरियल है। ये देखो, आपको शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा पर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। जब आप आओगे ना, आप देखोगे खुद, आप खुद कहोगे, मतलब कोई जो चीज खरीद रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, शॉर्ट टर्म नहीं है ये। इसका आपको फायदा कहाँ मिलता है कि जैसे आप किसी नाले के पास अगर आपका घर है तो वहां पर ज्यादा रस्टिंग होती है। नाले पे भी खराब नहीं होगा ये? जी हाँ, नाले के ऊपर भी ये खराब नहीं होगा क्योंकि नाले पर जो है बहुत से एसी लीक कर जाते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम में बने होते हैं, पूरा गोल्डन फिन है देख रहे हो, और उसके बाद वो कॉपर में बने होते हैं, लेकिन ये कॉपर के साथ साथ इसके ऊपर गोल्डन फिन्स का जो है वो पूरे का पूरा पेंट किया गया है जिससे कि इसकी जो रस्टिंग है वो नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर भी है मतलब? जी हाँ, ये तो आउटडोर मैंने आपको दिखाया, अब आप इंडोर भी देखिए। अच्छा जी, इंडोर में भी और की है पूरी? जी हाँ, इंडोर में भी यहाँ पर आपको पूरे का पूरा गोल्डन फिन्स ही मिलता है।
तो आप इससे इसकी जो क्वालिटी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी के ये यहाँ पर एयर कंडीशन हैं। एक बार लगाइए और टेंशन फ्री हो जाइए सालों तक। और ये एसी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन्हीं की कंपनी में मिलेंगे, क्योंकि इनका खुद का डिजाइन है ये और खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी हाँ, इसको आप पूरे इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं ये। लेकिन ये जो एसी हैं आपको ये अमेरिका, यूरोप और जो ऑस्ट्रेलिया है, जो फॉरेन की कंट्रीज हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे, इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे। इंडिया में सिर्फ आप ही देते हो? जी हाँ, इंडिया में सिर्फ ये हमारे पास है। तो सर ये तो देख लिया हमने, काफी फीचर है। अब ये बताओ इसमें सोलर पैनल कहाँ लगेगा? बिजली तो लग जाएगी। हाँ, इसमें बिजली भी यहीं पर लगेगी। और ये देखिए सीधा MC4 कनेक्टर दे रखे हैं। ये सोलर पैनल के लिए? हाँ, ये सोलर पैनल के लिए हैं। सीधे आप चार पैनल जोड़िए और सीधा इन पे लगा दीजिए तो चल गया इसी आपका, और कुछ नहीं करना, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इंस्टॉलेशन कौन करवाएगा? इंस्टॉलेशन आप किसी से भी करवा सकते हैं जो एसी लगाता है। इंस्टॉलेशन में इसकी कुछ है ही नहीं, नॉर्मल एसी की तरह जैसे नॉर्मल एसी है वैसी सेम टू सेम वैसी रहेगा। हाँ, सेम टू सेम होती है, बस ये चलता फ्री में है। असिस्टेंट आपको दे देंगे कि कोई कुछ अगर प्रॉब्लम है तो, अगर सर लेना है किसी को। अच्छा, इसको आप अपने लिए भी ले सकते हैं? जी हाँ, आप अपने लिए भी ले सकते हैं, घर के लिए भी है, कमर्शियल भी है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो इसका फायदा मिलेगा वो मिलेगा दुकान वालों को। अच्छा, शोरूम वालों को। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, अगर किसी का शोरूम है तो उसके ऊपर छत तो खाली है, तो छत पे उसने सिर्फ चार पैनल रखे और ये एसी लगा लिया, तो सुबह धूप निकलते ही पहली किरण के साथ ये ऑन हो जाएगा, पूरा उसको चिल्ड कर देगा। जैसे ही 10 बजे आके अपनी दुकान का शटर खोलेगा और घर से ही ऑन कर सकता है। बैठे घर से ही ऑन कर सकता है, बल्कि ऑन भी करने की जरूरत नहीं है, इसके ऐप के अंदर शेड्यूल लग जाता है, अपने आप ही बंद ऑफ हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल दुकान चिल्ड मिलेगी, सारा दिन बंदा दुकान पे रहेगा, पूरा दिन फ्री में चलेगा और शाम को बंद करके चला जाएगा, तो शाम को तो धूप भी चली जाएगी। क्या बात है। और सर अगर इससे बिजनेस भी करना हो तो उसके लिए क्या रहेगा फैसिलिटी? अगर आप इससे बिजनेस भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए इतनी कॉल्स हम नहीं उठा सकते, तो आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, तो आपके पास कंपनी वापस से कॉल कर लेगी, आपका जवाब दे देगी। और नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। या फिर आप सीधा जाकर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selcronic.com पर जा सकते हैं, वहीं से कंपनी के सभी प्रोडक्ट देख सकते हैं, वहां से बाय भी कर सकते हैं और वहां डीलरशिप के लिए इंक्वायरी भी डाल सकते हैं। तो देख रहे हो मतलब सारे स्मार्ट सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। अगर पैसा बचाना चाहते हो, अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हो, एफिशिएंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एसी से लेके आपको इन्वर्टर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे जा सकते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट है, खुद की कंपनी है, वहाँ पे भी इन्हें संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये इन्वर्टर हैं जो 5 किलोवाट के अंदर आते हैं, इनकी भी आपको स्टैंडर्ड 5 साल की वारंटी मिल जाती है और आप 25% एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर 10 साल की भी वारंटी ले सकते हैं। और ये है कंपनी का डीसी चेंज ओवर स्विच, ये भी मेड इन जर्मनी है और इसकी भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और ये भी वाटरप्रूफ है, सीधा बाहर लगा सकते हो। तो सर अब कहाँ पर ले आए हो आप हमें? ये है हमारा वेयर हाउस जिसमें रखा हुआ है टोटल यहाँ पर सोलर एसी का स्टॉक। अच्छा, ये सारा स्टॉक है आपके पास? जी। क्या बात है, मतलब काफी स्टॉक में देख रहे हो आइटम, मतलब प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और दूसरी बात, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो और मजे आने वाले हैं आपके। जी हाँ, आपके कंप्लीट मजे आ जाएंगे, आपको इसमें भरपूर मार्जिन मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है ये है मोनोपोली की गेम, सिर्फ सर के पास ही मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, ये पूरे इंडिया में सिर्फ सेलक्रोनिक के पास ये टेक्नोलॉजी है, आप पूरे इंटरनेट छान मारिए। सर कई लोग कहेंगे मैं तो इन्वर्टर एसी को भी कन्वर्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा होता है कुछ? जी हाँ, 2 से 3 कंपनी है जो सोलर एसी के नाम पर यहाँ पर बेवकूफ बना रही है जनता को। अच्छा, उसमें वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल सिंपल इन्वर्टर एसी के ऊपर बस लिखा सोलर एसी और आपको चिपका डाला 55,000 रुपए का। अच्छा जी, पर ऐसा नहीं है इसमें, इसमें क्यों है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है क्योंकि ये दोनों पे चलता है। जी हाँ, वो आपका सिंपल रहता है और वो 28% टैक्स के साथ आता है जो कि आपके नॉर्मल एसी पर लगता है। जब भी आप ओरिजिनल सोलर एयर कंडीशन खरीदते हैं वो 12% टैक्स के अंदर आता है और वो सोलर से सीधा चल सकता है, ये होती है उसकी पहचान। और दूसरा, लोगों को कंपनीज मूर्ख बनाती हैं कि वो 1.5 टन का एसी बोल के उनको 1 टन की यूनिट दे देती हैं और बोलती हैं देखो कि हमारा एसी कम पावर ले रहा है। अब ये तो कोई भी समझदार है कि जो 1 टन की यूनिट है वो 1.5 टन की यूनिट से कम ही पावर लेगी। पर आपके एसी में ऐसा है कि कम टन है ये, पर आपको आउटपुट ज्यादा देगा और एफिशिएंसी भी देगा। जी हाँ, हमारे वाले में उल्टा है, हमारे वाले में 1 टन वाला 1.5 टन की कूलिंग कर सकता है, 1.5 टन वाला 2 टन की और 2 टन वाला यहाँ पे 2.5 टन की कूलिंग कर सकता है, आप आजमा के देख सकते हैं। तो चाहे अपने लिए लगाना हो चाहे एक बिजनेस करना हो तो आप वो दोनों चीजें करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। जी हाँ, और आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप वहां से खरीद सकते हैं।